नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल, आपकी आवाज़। हमारे सांसद आज मौलाना जावेद जी के मदरसे में पधारे और यहाँ पर उनके साथ में है चेयरमैन खुर्शीद जी और चेयरमैन मौजम इंजीनियर साहब उनके साथ में है और बहुत मदरसों के मौलाना यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख रहे हैं सांसद जी नज़ीराबाद के अलीपुरा मौलाना जावेद जी के मदरसे में पधारे। उन्होंने बच्चों से बातें की और बच्चों से हाथ मिलाया। आप देख रहे हैं बच्चों से बात करते हुए हमारे सांसद और मदरसे में जितने भी छात्र यहाँ पर पढ़ने आते हैं उनसे हाथ मिलाया। आप देखिए उनका स्वागत कर रहे हैं मदरसे के और नज़ीराबाद के जाने माने नवाब अली के भाई उनका स्वागत कर रहे हैं, शॉल उठाकर स्वागत कर रहे हैं। नज़ीराबाद सांसद चंद्रशेखर जी का स्वागत कर रहे हैं, नज़ीराबाद के पत्रकार साथी और सांसद जी का और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सब के हरदिल अजीज नेता, गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की, व्यापारियों की, सबकी आवाज उठाने वाले, पूरे देश में मजलूमों की लड़ाई लड़ने वाले भाई चंद्रशेखर आजाद जी हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं अपनी तरफ से, तमाम लोकसभा की तरफ से और यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं नज़ीराबाद उनसे मिलना चाहते थे और जीतने के बाद शायद पहली उलमाई के नाम से मुलाकात है। दोस्तों, भाई का एक प्रोग्राम अभी 8 बजे लगा हुआ है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ न कह के मैं पहले भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ मौलाना जावेद साहब के मदद से मैं तशरीफ लाने पर भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कर मकदम। और मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि जो लोग 2-4 मिनट अपने भाई भी अपनी बात मुफ्ती साहब थोड़ा साइड में सामने हो जाओ, सामने हो जाओ, ऐसे हो जाए कुछ भी ना दिखे सर, ऐसे तो हो जाओ कुछ भी मौलाना साहब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे, थोड़ा सीधा ऐसे आओ, थोड़ा सीधा सीधा सामने इधर आ जाओ, पीछे आ जाओ, आज ये हमारे लिए खुशी की बात है कि एम पी साहब हमारे दरमियान में मौजूद है, तशरीफ लाए। तो ये खास मसला जो इस इलाके का है, मस्जिद मदरसा और ये आस पास के जो मकानात हैं उस सिलसिले की मैं बात करना चाहता हूँ। इस इलाके में कानूनी तौर पर लाइट का मसला नहीं है, यहाँ की जो लाइट चल रही है ये सोलर पैनल से चल रही है और भी जितने मकानात हैं यहाँ पर उन लोगों ने भी बड़ी रकम खर्च करके सोलर पैनल लगा रखे। और इस मौसम में जब बरसात का मौसम होता है, बादल होते हैं या जाड़ों में कोहरा होता है तो सोलर पैनल काम करना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से बड़ी दिक्कत परेशानी होती है। और हमने हर तरह से लगभग 3 साल से कोशिश कर ली लाइट के लिए, बिजली विभाग ने बिल्कुल मना कर दिया कि हम यहाँ लाइट नहीं। उसकी वजह उन्होंने ये बयान किया कि जहाँ कॉलोनियाँ बनी हुई, हालांकि वाली जो पट्टी है ये मंजूर शुदा है और वन रोड पानी नहीं, इसकी वजह से बड़ी परेशानी है। मैं धन्यवाद दूंगा मौलाना जावेद कासिम साहब, जीतने के बाद मैं देर से यहाँ आया, जबकि सच ये है कि चुनाव के समय में ये जो मेरा परिवार यहाँ बैठा है, लोगों ने मेरी भाई से ज्यादा बढ़कर मदद की। आज अगर मैं
दिल्ली में देश की सबसे बड़ी पंचायत में अगर गरीबों, कमजोरों, किसानों, मजदूरों, तमाम जाति धर्मों और क्षेत्रों के इस क्षेत्र की आवाज उठा पा रहा हूँ, उसमें सब लोगों का बहुत बड़ा है। हमेशा इनकी मदद, इनकी जो सहयोग मुझे रहा उसका मैं हमेशा दरदार रहूंगा। इधर हमारे भाई सहानपुर चेयरमैन खुर्शीद साहब बैठे हैं, इधर इंजीनियर मोहजब साहब बैठे हैं, नगर पालिका चेयरमैन मुझे आतीक साहब, भाई सुखदेव सिंह नामधारी जी हैं मेरे बड़े भाई, तमाम अच्छे राइम साहब हैं, हमारे मुख्य प्रधान जी हैं, और भी सभी जिम्मेदार को जोर से बताओ आप भी गली साहब बैठे हैं और जितने भी यहाँ बैठे हैं वो मुझे जोड़ रहे हो। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आप लोगों की मदद जिस तरह से मुझे मिली, मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि आगे भी मुझे ऐसे मिलती रहे। बात कर रहे हैं, मुझे आशा उम्मीद है कि अगले 15 दिनों में आपकी जो शिकायत आपने मुझसे की, ये शिकायत दे रहे हैं। आज की मांग नहीं, लंबी मांग चली आ रही है, उसके लिए भी मैं आश्वस्त करता हूँ इस बार जिस तरह सेशन चलेगा, चाहे मुझे रेल मंत्री जी के कमरे का कुंडा बंद करना पड़े, मैं कोशिश करूंगा कि जनहित की उस मांग को, क्योंकि यहाँ से बहुत बड़ा जो है हमारा क्षेत्र, वो लोग मुंबई जाते हैं, उनके कारोबार भी है वहाँ, उनका आना जाना भी, साथ साथ यहाँ कपड़े का और लकड़ी का हमारा काम भी है, जिसको अगर वो ट्रेन यहाँ पे चल जाएगी तो बहुत बल मिलेगा, क्योंकि आदमी रोजगार से उसका सब कुछ जुड़ा होता है, उसकी तरक्की रोजगार से जुड़ी होगी, तो जब हमारी मेहनत को यहाँ अवसर मिलेगा तो इस क्षेत्र को फायदा होगा। इसलिए हम लोग हैं, एक और हमारे साथी नौजवान साथी जो सऊदी अरब से आके जिन्होंने विद्यालयों में मेरी बहुत मदद की, नवीन कुरैशी मेरे छोटे भाई, मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं ये, क्योंकि 8 बजे मेरी मीटिंग है वहाँ, आप जानते हैं कि मैं काम सब कुछ छोड़ सकता हूँ लेकिन काम नहीं छोड़ सकता। मैं आपको ऑफ द कैमरा एक बात बता रहा हूँ, आप इसको बंद करो।